नमस्कार के केआर न्यूज के टॉप 12 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। खबर जबलपुर से है। माडोदाल थाना अंतर्गत दीनदयाल चौक के पास एक स्कॉर्पियो वाहन ने निजी स्कूल बस के ड्राइवर को टक्कर मार उसे घायल कर दिया। बाइक सवार उछलकर डिवाइडर से टकरा गया और बाइक कार के नीचे घुस गई। मौके पर मौजूद लोग घायल को तत्काल पास में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल रेफर कर दिया और उसकी मौत हो गई। खबर रायपुर से है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत। माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, कहा बेटी की पिटाई का बेहद वीडियो। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित अंबेडकर चौक में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला के शरीर पर चोट के निशान है। मृतक महिला का नाम कीर्ति जंगेल है। माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पहली पत्नी से तलाक के बाद दूसरी शादी, 4 साल बाद खुला नया राज, अनोखा है टीचर की लव स्टोरी। रायपुर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक टीचर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी महिला से शादी कर ली। अब टीचर दूसरी महिला को छोड़कर तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है। अब खबरें बॉलीवुड से है। शाहरुख खान की पठान में फ्री में काम करेंगे सलमान खान। दोस्त की खातिर ठुकराया करोड़ों का ऑफर। सलमान खान की फीस को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। कंगना रनौत ने बहन रंगोली चंदेल पर हुए एसिड अटैक को किया याद, बोली कोई मुझ पर भी। दिल्ली के द्वारका इलाके में 17 साल की लड़की पर एसिड अटैक हुआ, जिस पर अब प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन रंगोली चंदेल पर हुए एसिड अटैक को याद किया है। खबरें स्पोर्ट्स से है। सूर्य कुमार ने नाम रहा साल 2022 बैटिंग में बनाए एक से एक बार का एक रिकॉर्ड। बड़े क्रिकेट रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। अब खबरें दिल्ली से है। मौलवी की घिनौनी करतूत, 12 साल के लड़के को बेहोश कर कई बार किया कुकर्म, आरोपी की तलाश पुलिस की कई टीमें। मौलवी फरार है, इसकी तलाश पुलिस की कई टीमें लगी हैं। शालीमार बाग में लूटपाट के बाद महिला की हत्या, द्वारका में चली दनादन गोलियां, चली गई जान। उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में लूटपाट के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त रजनी मदान के रूप में हुई। हत्या का खुलासा मंगलवार रात उस समय हुआ जब रजनी का बेटा दफ्तर से घर पहुंचा। अब खबरें बिहार से है। बिहार में 24 घंटे में 3 हत्याएं, भाजपा की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को सब्जापुरा इलाके का दौरा किया और मंटू शर्मा के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।
पत्रकारों से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। जहरीली शराब पर बिहार में बवाल, मरने वालों पर मंत्री एस के महासेठ ने दिया बड़ा बयान, लोगों से बोले शराब पीना छोड़ दो। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। जान गंवाने वाले लोगों के घर में हुंकार मची हुई है। इस बीच मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब खबर जयपुर से है। जयपुर में परिचित ने किया युवती से रेप, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बनाई अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर रहे 1.5 लाख रुपए। जयपुर में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। परिचित युवक अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर उसे 7 साल भर दुष्कर्म करता रहा। जान से और मारने का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए तक लूट लिए। रामनगरिया थाने में बुधवार देर शाम पीड़िता ने FIR दर्ज करवाई है। मामले की जांच में चोर राजेश शर्मा से कर रहे हैं मुलाकात। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के ताजा अपडेट के लिए बनी रहिए KKR News के साथ। नमस्कार।